नहीं होता, मैं उठकर तालियां बजाता क्योंकि ऐसी बातें आजकल सुनने को नहीं। राइट राइट। और मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है अपने आप का। जल्दी पूछो क्यों? क्यों? ओके भाई साहब थोड़ा इधर आइए प्लीज। मुझे बताइए पब्लिक को मैं कितना पढ़ा लिखा हूं आपके हिसाब से, इज्जत रख के बात करना। काफी ज्यादा ग्रेजुएट। अच्छा इज्जत है, ग्रेजुएट में भी इज्जत है। मैं पांचवी क्लास 3 बार फेल। मैं रिपीट करता हूं, 5वीं क्लास 3 बार फेल। मुझे हिंदी तक पढ़ना नहीं आता था, इंग्लिश तो दूर की बात है, नहीं समझ में आया। मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता था, इंग्लिश, इट इज नॉट इंग्लिश, इट इज इंग्लिश। अगर आपको सब यार जोक का मर्डर क्यों करते हो? अपनी IQ बढ़ाइए, ठीक है ना। मेरी वाइफ को सिस्टर पहला प्रेम पत्र, मैंने जब कहा यार चलो इसको प्रपोज करते, अभी ऐसे मत देखो तब की बात है। मेरी वाइफ को जो पहला प्रेम पत्र लिखना था वो तो मैंने दोस्त से लिखवाया भाई साहब, वो तो शुक्र है कि मेरी वाइफ ने मेरी तरफ से पढ़ा, नहीं तो मेरी लड़की ने अचानक कॉल किया अभी रिसेंटली, बोलती है पप्पा, उसका आवाज सुन के मैं एक्सर जल्दी बोल क्या हुआ, बोला पप्पा, अरे आगे बोल क्या हुआ, बोलती है पप्पा आप गूगल में हैं। मैंने बोला मैं गूगल में कहाँ पहुंच गया। बोलता है मैं टाइप कर रही थी, तभी वो कॉलेज कर रही थी, बोलती मैं टाइप कर रही थी कि DAN से कुछ आ रहा था, जैसे मैंने DAN टाइप किया तो डैनियल आ गया, DANIEL डैनियल आ गया। फिर मैंने सोचा कि ये डैनियल कौन है, तो राज टाइप किया, पता चला आप आ गए। मैंने बोला मैं गूगल में हूँ। तो इसका मतलब है पूछो क्या, पांचवी क्लास फेल आदमी को अमेरिका में बैठा गूगल ढूंढ रहा है। आमीन। अभी उनको किसने बताया कि पांचवी फेल आदमी गूगल में चला गया, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। तो मैं वापस कहता हूं मेरा घमंड नहीं है, मैं फिर कहता हूं मैं इसको अभी तक पागलों की तरह पढ़ता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर आप और आप मेरे विटनेस हैं, आपने मुझे जब भी वीडियो पे देखा है मैं बाइबल ओपन करता हूँ सर, नहीं वचन को बोलने के लिए बाइबल ओपन करता हूँ। कहाँ रहते हैं वचन? अंदर। क्यों पता है? बहुत पढ़ता हूँ सर, मालूम क्यों? सिर्फ आंखों में आंसू नहीं है लेकिन यहाँ पे मेरे को तकलीफ है, क्योंकि जब मुझे पढ़ना नहीं आता था ये परमेश्वर है जिसने मुझे बुद्धि दी। आमीन हालेलुया। बस बस इसी ने मुझे फेमस किया। आमीन। नहीं तो मेरी औकात नहीं है इस चीज की, सच बता रहा हूं। और आपने जो गेट पे मेरा सम्मान किया मेरी उसकी भी औकात नहीं है सर। मुझे जो भी इज्जत मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उसके वचन के वजह से। कम ऑन यू सर। और यही चीज प्रभु आपके साथ कर सकता है। राइट। जब पांचवी फेल को प्रभु अमेरिका तक पहुंचा सकता है, फिर आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे। और भाई साहब को चाय पिलाओ, जल्दी पूछो क्यों? अरे यार इज्जत रखिए थोड़ी सी, कम से कम ग्रेजुएट तक तो बोल दिया इन्होंने, एक बार अच्छी थाली प्रभु के लिए। कम ऑन। बस 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 मैं अभी समाप्ति की तरफ हूं। सब लोग ठीक है अभी तक? ओके। लिखा है यहोशू 4:6 मत पढ़ना, लिखा है ज्ञान के न होने से। और यहोशू 1:7 से लेकर 8 तक क्या लिखा है? दिन रात ना तो दाएं ना तो बाएं मेरे वचन पे चलना, तब, रिपीट करो तब, वापस आइए तब, थोड़ा एटीट्यूड के साथ, रुबाब के साथ, तब 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 तुम आशीषित होगे। आमीन। मुझे नहीं चाहिए अमेरिकन का हाथ मेरे सर पे, मुझे चाहिए अफ्रीकन का हाथ मेरे सर पे। फेसबुक पे शाम शाम को तुम लोग शुरू हो जाते हो अफ्रीकन से, कहते हैं मेरे पोस्ट को 12 लोगों को भेजो आपको आशीष मिलेगी, मेरे पोस्ट को 10 लोगों को भेजो या शेयर करो। यार क्या चल रहा है भैया बताइए प्लीज, ये होता है कि नहीं होता है? होता है। और कहते हैं कि अगर आपने मेरे पोस्ट को लाइक किया 10-5 बार तो आपके बैंक में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यार तुम तो परमेश्वर को भी खरीद लिए हो, और हम चुपचाप बैठ के सहते रहते हैं। भैया गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्लीज बताइए? हो रहा है। तो इसको कौन खराब कर रहा है? शैतान। इसलिए पौलुस ने क्या कह दिया? मुझे डर है। लिखा कि नहीं लिखा? मुझे डर है। और मैं वही चीज आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बस मैं समाप्ति पर हूं। इसको पढ़िए, पहला योहन्ना 4:1, एक साथ 1, 2, 3 को। ओके
ओके यहाँ पे लिखा है हर एक आत्मा की प्रतिति शब्द को ध्यान से देखिए ना सब लोग एक साथ बोलो ना तो इसका मतलब है क्या करूं आप तीन चार लड़के जवान लड़के लड़कियां ऊपर आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी कमॉन कमॉन तीन चार लड़के यहाँ से उठ जाओ तीन चार पांच यहाँ से उठ जाओ जवान जवान आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ कम से कम नौ चाहिए कम से कम एक काम करो आठ चाहिए आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ बेटा ये नौ हो गए लाइन से चले जाओ उस तरफ तक चले जाओ नौ हो गए पक्का गिन लो आप रुक जाओ वहीं पे आप जाओ 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 नौ हो गए आठ हो गए सॉरी ये आठ है इनको छोड़ के जी ओके भाई साहब अच्छा आप शूट कर रहे हैं भाई साहब आप आइए सब सब थोड़ा फैल जाओ फैल जाओ फैल जाओ आगे तक फैल जाओ ये रहा नौवा 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 ये रहा नाइन्थ ये ठीक है ये रहा नौ नौ नंबर ठीक है ना बाकी कितने हैं आठ आठ और एक नौ वेरी गुड अब आप नहीं समझे अभी तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के कितने दान हैं नौ वरदान वरदान नौ आपने कभी सोचा कि बाकी आठ और इसको मैंने अलग क्यों किया मतलब आपने बाइबल में कभी ध्यान दिया कि नौ के नौ एक ही माला के मोती नहीं है फल नहीं नहीं नॉट फल वरदान बुद्धि ज्ञान विश्वास आश्चर्य कर्म भाषाएं भाषाओं का अर्थ भविष्यवाणी आश्चर्य कर्म राइट ये सब एक ही माला मोती एक ही माला के मोती समझ में आ गया नहीं है एक अलग है कौन सा एक अलग है कौन सा जोर से बोलो बहन बस वहां क्या लिखा है वहां पे क्या लिखा है हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो तो आप है ना ऐसे करना भैया आप ऐसे ऐसे करते रहना सबको आठ को ऐसे घूम जाओ हाँ ऐसे करते रहो नहीं नहीं गिनना नहीं है ऐसे आप ये क्या कर रहा है ये बुद्धि का दान है ये ध्यान का दान है ये विश्वास का भाषाओं का अर्थ भविष्यवाणी आश्चर्य कर्म ये जब लोग पुलपिट पे काम बड़े ध्यान से सुना यूट्यूब वालों अगर फेसबुक चल रहा है तो उनको भी और जो यहां से देखेंगे उनको जब हम लोग ऐसे लोग आते हैं ना ये आठ टाइप वाले भैया आ रहा है ना समझ में right. yes. तो एक दान आपके अंदर फिर भी होता है तो ये चेक करता है कि बुद्धि का दान तो है लेकिन बाइबल से है या बाहर से विश्व ध्यान का दान तो है विश्वास का भी दान है आश्चर्य कर्म का दान भी है भाषाओं का अर्थ भविष्यवाणी आश्चर्य कर्म फिर ये चेक करता है कहां से अरे दुष्ट आत्माओं से तो नहीं है एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं मत पढ़ना प्रेरित सोलह सोलह मत पढ़ना प्रेरित सोलह सोलह आइए देखते हैं क्या बोला पौलुस के पीछे एक औरत आती थी कहती थी तू नबी है तू प्रभु का दास है तू ये है तू वो है और सच था झूठ नहीं था सच था पौलुस परेशान हो गया बोलता है बात तो सही कर रही है लेकिन स्पिरिट गलत लग रही है सीधा तो पौलुस के पास क्या था यही तो चाहिए पास्टर जी आप मुझे चेक करो और करना चाहिए आप सिस्टर को चेक करो और करना चाहिए आप पास्टर जी को चेक करो आपको कमॉन जो टीवी पे आते हैं उनको चेक करो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो आपको चेक करने का टाइम आ गया क्योंकि बाइबल कहती है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा और हर आत्मा को नहीं पर सबको बिठा देते हैं सबके लिए ताली हो जाए प्लीज गो थैंक यू भैया बस बस मैं समाप्ति की तरफ आ गया हूं ओके मैं फिर पूछ लेता हूं कैसा लग रहा है थोड़ा जोर से पक्का यस यहां जाने से पहले मुझे ऐसा लगता है ब्लैक शर्ट ब्रदर प्लीज खड़े हो जाएं माइक दीजिए यहां था ना कॉर्डलेस माइक भैया वहीं से बोलिए आगे बताइए वहीं से बोलिए ये बॉर्डर आपका नहीं है वो बॉर्डर आपका है कैसा लग रहा है सुनते सुनते बहुत अच्छा लग बस इतना ही बहुत मैं आपकी जगह पे होता ना तो बोलता ब्रदर ऐसी बातें कभी नहीं सुनी ब्रदर तो वही तो बोल रहा हूँ कौन मेरी जान बोलिए यहाँ पानी हुआ करता था अच्छा यहाँ बोलिए भाई साहब बोलिए बोलता नहीं इधर ऐसी बातें कहीं भी नहीं सुनी ओके बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ठीक रिपोर्ट मिल रहा है वाह भाई साहब को माइक दीजिए भाई साहब को माइक दीजिए बैठे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी बातें कभी सुनने में नहीं ओके कभी ना ही चर्च में ना ही बाहर से ना ही यूट्यूब से
ओके यहां पे कोई ऐसा है जो लगता है कि पास्टर डैनियल एक बार माइक में मुझे देके देखो फिर मैं बताता हूं कि मुझे कैसा लग रहा है. पहुंचा दो जी. मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगी और मेरे मन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. वाह सी दैट. थोड़ा सा जब हटके आता है ना तो मजा आता है. पता है क्यों? इसको भी बोल दूं? Yes. और जितनी शादीशुदा है वो मेरा साथ दीजिए. पत्नी जब अच्छा खाना बनाती है ना तो उसके अंदर इच्छा होती है अभी पति आएगा खाना खाएगा थोड़ी सी. तेरी शादी हो गई? ये बोलती है ये तारीफ में एक्सपर्ट हो. आपको देखिए पत्नियां जब खाना बनाती है ना तो पति से और जब पूछ लेते हैं अजी खाना कैसे बना अजी ओजी कैसे चलता है एजी ओजी भाई जी ओके अजी खाना कैसे बना तो पति खाते खाते बोलते हैं ठीक है. फिर पत्नी बोलती है कल आओ. फिर नमक कम मिर्ची कम फिर ये क्या वही तो कुछ नहीं थी कल से. जब कुछ हटकर आता है तो अच्छा लगता है. और मैं पहले बाइबल कम पढ़ता था लेकिन जब पास्टर ने बताया कि मैं 3 बार पांचवी से फेल हो गया मेरा विश्वास बढ़ गया. Thank you, sir. Okay, कोई सिस्टर में से बोलना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है? Yes, वहां से बोल दीजिए बहन और आप बाद में बोलिए. बहन बैठ जाओ पीछे. ऐसा लगा कि मैं खुद परमेश्वर से बात. आपने बात करी मतलब परमेश्वर ने आपसे बात करी. हाँ ऐसे आओ या सिस्टर फिर ये लास्ट है उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जो मैंने आज सुन रही हूँ मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ये बोलेंगे लेकिन प्रभु मुझे बहुत सिखा रहा आप जब बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है. सी दैट वंडरफुल. थैंक यू सिस्टर प्लीज बैठ जाएं. ये सब का महिमा सिर्फ प्रभु को. ताली बजा. बस मैं समाप्ति की तरफ हूँ. सब लोग तैयार हैं? यस ओके. लिखा है एक साथ दूसरा पत्र 3:16 1 2 3 गो. क्या वचन किसी का नाश कर सकता है? नहीं. लेकिन पढ़ो. अनपढ़ कहते हैं अगर वचन को ठीक से नहीं समझा तो खींच तान कर अपने ही. अगर समझा तो अच्छा नहीं समझा तो गई भैंस. कैसा लग रहा है? ये वचन आपको बचाएगा भी ये वचन आपको एक दिन फंसाएगा भी. ठीक से चले बच गए. अगर ठीक से नहीं चले यही वचन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा कि तुमने सही से क्यों नहीं चला. Right. हम इस पृथ्वी क्या हो रहा है मेरे साथ हम इस पृथ्वी पे वासी हैं या परदेसी हैं? परदेसी. बहुत सही जवाब. तो परदेसी को कैसे चलना चाहिए? संभल के. मेरा हाथ देखे डर डर के. कभी यहां गए हो ये अपना नहीं है वहां गए हो ये अपना नहीं है. शादी के बाद में दूसरे की बीवी अपनी नहीं है. शादी के पहले किसी की भी बेटी किसी की भी बहन अपनी नहीं है. कैसा लग रहा है? सीधे पास जी. राइट. शादी के बाद भी कईयों का चक्कर है. इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. और पास जी जनरल बात कर रहे हैं. राइट. डोंट टेक इट पर्सनली. ऐसे पुलपिट में खड़े होकर जब हम जैसे लोग आते हैं और वैसे जैसे लोग आते हैं तो बीवी पीछे बैठ के बोलती है घर चलो बताती हूँ. Yes. मैं वापस कहता हूं जो YouTube पे सुन रहे हैं और ये वीडियो मेरी वाइफ भी देखती है और इस पृथ्वी पे मेरे गवाह दो लोग हैं एक परमेश्वर दूसरा मेरा वाइफ. क्योंकि पत्नी को पता होता है. थैंक यू सर. पत्नी को पता होता है कि आदमी कैसा है. और इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने अगर आदम के लिए साथीदार बनाया तो इसलिए बनाया ताकि पत्नी को पता हो कि पति क्या है पति को पता हो पत्नी क्या है. यू गॉट द पॉइंट? और मुझे नहीं पता कि नाश का कारण में ये पॉइंट क्यों घुस गया क्योंकि पवित्र आत्मा बात कर रहा है. यहाँ पे जितने भी अनिल सुनील राकेश मुकेश सुनीता अनिता आवना जावना भावना अगर यहाँ पर बैठे हैं मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ. मैं आपका छोटा भाई बड़ा भाई कैसे से किसी के लिए तो मैं पिता की उम्र का भी हूँ. Right. मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि वक्त से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए. अबरे क्या बात है भाई कहीं सबका कनेक्शन
हाँ अच्छा, मुझे कुछ लोग पूछते हैं सिस्टर, बोलते हैं डैनियल भाई आपको कैसे पता ये सारा चक्कर? मैंने कहा मैं भी कान शरीफ था। बोला फिर क्या था? मैंने बोला जो अभी शादी हुई है उसके पहले मेरी भी एक थी। अब ऐसे मत देखो, ये पुरानी बात है। और वो लड़की का नाम भी गजब था भाई साहब। सब लोग पूछो क्या, हाँ दूसरों के गाने में बड़ी दिलचस्पी है तुम लोगों को। वो लड़की का नाम था चारू। लड़की का नाम क्या था? चारू। और वो ब्राह्मण लड़की थी, चारू बाला सामंत। मारा सिर लड़की और ब्राह्मण की बेटी थी वो भैया। और जो नाम उसको मैं प्यार से बुलाता था चारू, मैं तो उसके लिए कहता था कि तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊं, बगल के पेड़ से आम नहीं तोड़ सकता था, वो बात अलग है। और क्या क्या दिल लगा गधी पे, तो परी क्या चीज है, इतना शरीफ मत देखो, आप उनको भी पता होगा। और सुबह सुबह उठते थे उसके प्यार में, पागल थे ना। फिर मेरे को क्या पता था कि ये मेरे चार टुकड़े करेगी। अचानक से आकर बोलती है मेरे को, तभी बाबू बुलाते थे, बाबू भाई कहते थे कि बाबू भाई मतलब उसका भाई नहीं, हाँ। कहती है कि बाबू आज के बाद तू नहीं मैं नहीं, हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अब मुझे क्या पता था कि उसके बाप के चक्कर में। फिर मैं बीच में खड़ा होकर मैं बोला यार ये तो गजब है। और तभी होटलों में काम करता था, अभी बताया मैंने, खुद भी पीता था, दूसरों को भी पिलाता था। मेरे पहले दिलीप कुमार देवदास, मेरे बाद में शाहरुख खान देवदास, लगता नहीं समझ में। फिर मैं बना दूसरा देवदास, पीता भी था पिलाता भी था, और मुकेश के सैड सॉन्ग, किशोर के सैड सॉन्ग, मोहम्मद रफी के सैड सॉन्ग खुद भी सुनता था, दूसरों को भी सुनाता था, जबरदस्ती सुनाता था। ऊपर से परमेश्वर ने बोला बेटा तेरी कहानी लिख रहा हूं। और फिर वहां से आज खड़ा किया है यहां, तो मुझे अच्छे से जी मुझे अच्छे, बस बस मुझे अच्छे से पता है कि लड़की का चक्कर क्या होता है, लड़के का चक्कर क्या होता है। ये लड़कियां किसी की नहीं होती, लड़कों ध्यान से सुनो, ये लड़कियां किसी की नहीं होती। अब ये लड़कियां गुस्से में आ गई तो लड़कियों ध्यान से सुनो, ये लड़के भी किसी के नहीं होते। एक नंबर के झूठे बदमाश धोखेबाज कहते हैं कि बस तू ही है, फेसबुक पे कोई और है। और ये सब चलता है सर चर्च में, मैं बात कर रहा हूँ चर्च की, नॉट आउटसाइड, चर्च की बात कर रहा हूं। और जो यहां सुन रहे हैं, हमको नाश नहीं होना, रिपीट, हमको नाश नहीं होना। अगर किसी का अफेयर है जितनी जल्दी हो सकता है कट करो, जल्दी पूछो क्यों, क्यों वो बाद में तुमको ही कट करेगी, उसके पहले तुम कट करो। राइट सर, कहते हैं ताजमहल में चला, भैया थोड़ा बर्दाश्त करो ना थोड़ा सा, मैं चला गया ताजमहल। मैंने बोला यहाँ क्या है? बोलता प्यार के निशान। मैंने बोला दिखा? बोलता ये दोनों लेटे। मैंने बोला तो मर गए हैं, जो मर गया है वो प्यार की निशानी क्या रख सकता साहब? प्यार की निशानी तो यीशु है, पूछो कैसे? वो मरा भी। बस बस बस, कहते हैं ही रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट। मैंने बोला कहाँ है? बोला सब मर गए। नहीं समझ में, रोमियो जूलियट, ही रांझा, लैला मजनू कहाँ है आजकल? सब मर गए। जिसने ताजमहल बनाया वो तक मर गए, फिर क्यों जिंदा है? सुनो, अगर बापरे क्या करूं, अगर प्यार के लिए ही मसीहत में आए थे तो फिर आए क्यों? ये जब हम लोग घड़ी खरीदते हैं ना, इसको खरीदते वक्त में नहीं पूछते ओरिजिनल है, ये कब चलेगी, इसकी वारंटी किधर है, गारंटी किधर है। यार तुम घर पे लड़कियां ले आते हो, ये नहीं पूछते कि पापा ये मेरे साथ आखिर तक चलेगी। और ऊपर से प्रभु को भी नहीं पूछते कि मैं जिससे शादी, यार बर्तन है जो तुम घर पे उठा के लेकर आए, आज चली कल नहीं चली, ये क्या चाइना का माल है, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। कमा भाई साहब, यस और नो, लड़की ये कहां जा रही है? अच्छा गलत टाइम पे मत उठा करो, दिक्कत हो जाती। बोला जवान तो जवान। उनको उनको जाने दो, आमीन। तो यहां जितने यूथ हैं, बस जी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चल रहा है, ये सब चल रहा है। और वो पछताते हैं, और आपको पता है पछताने के बाद क्या बोलते हैं? यार किसी ने रोका क्यों नहीं, तू सुनता कहां था यार, रोका क्यों नहीं किसी ने, आप समझ गए? तो प्रश्न ये है भाई साहब, तुम सुनते कहां थे, तुम सुनते कहां थे? सब लोग ठीक है? यस सर। एक और आ रहा, बोल सकता हूँ? यस सर।
एक लड़की को उसका बाप पालता 20 साल तक या 22 साल तक, राइट? यस। उसको ऐसे पालता है कि मानो उसकी वो राजकुमारी है। उसको पाल के बड़ा करके वो किसी के हाथ में देता है, राइट? और कहता है कि इसका ख्याल रखना, राइट? और वो जब उसको लेता है, कौन? उसका पति। कहता है कि यस अंकल, यस डैडी, जो भी बुलाता होगा, हम इसका ख्याल रखेंगे। और वो रखता भी है, राइट? लेकिन आपको पता है कब तक? पूछो कब तक? जब तक वो बच्चे की माँ नहीं बन जाती। और वो कैसे बोलूँ, शब्द को कंट्रोल करूँगा, याद रखें, मैं काउंसलर हूँ, मैं चर्च का पास्टर हूँ, मैं एक बाप हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं कंट्रोल में बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो शायद उनके लिए अभी जल्दी है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, लेकिन शब्द को कंट्रोल करूँगा। वो जब तक बच्चे की माँ नहीं बनती है, उस पति के लिए वो ऐश्वर्या है, वो माधुरी है, वो करीना है, वो लंदन है, मिस लंदन है, मिस यूनिवर्स है, राइट? राइट। लेकिन जब वो बच्चे को पैदा कर चुकी होती है, तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मैं वापस कह रहा हूँ, शब्द को कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, जब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, फिर पति बोलना शुरू करता है, यार तू पहले जैसे नहीं है। Come on, yes or no? Right. तो उस मूर्ख को पूछना पड़ेगा, तेरी ही तो हरकत है यार, बात करो, yes or no? Yes. उसको तुमने ही बोला है ना, कि मुझे बच्चा आ रहा है ना समझ में, राइट? फिर जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई, तो तुमको अभी वो ललिता पवार दिख रही है। अगर एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर बोलो, डैनियल भाई आप गलत बात कर रहे, कम ऑन, यस और नो? और उसके चक्कर में तलाक हो रहे हैं आजकल, और कहते हैं कि पास्टर जी हम दूसरी शादी करनी है। क्यों? दूसरे की जिंदगी खराब करोगे? यस और नो? Yes. हम सलीम और असलम थोड़ी है, राइट? राइट। लगता है समझ में आ गया। Yes. हम सलीम और असलम थोड़ी है जो चार चार करते बैठे, यार पीछे वाले लोग साथ नहीं दे रहे। Come on, yes or no, भैया? Yes. यार हमसे एक नहीं संभल रही, तुम चार चार लेके बैठे। और वो आदमी तो गजब का है, पूछो कौन? राजा सुलेमान। 1000? मैं तो उसको पूछूंगा, पास्टर जी स्वर्ग में इधर आ भाई, तू मैनेज कैसे करता था? यू गॉट द पॉइंट?